है ना है, याद करने का डर अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये मंत्रा का असर कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये युमंत्रा का असर है ना है याद करने का डर अब सब कुछ है ब्रेन में प्रैक्टिकल है ये यजुमंत्रा का असर दोस्तों हेलो नमस्ते सलाम मैं आपका हूं होस्ट और आपका दोस्त राजीव पांडे स्वागत करता हूँ तो भैया आप लोग का एकदम फेवरेट वाला सीरीज है कमाल करते हो पांडे जी तो भैया और, ने कमाल कर रखा है लाइव में तो फटाफट फटाफट यस फट, गुड फट मॉर्निंग टू एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड आज कुछ बातें भी करेंगे और कुछ सम्स भी करेंगे और मैं चाहूंगा कि आज ये सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दू okay? so, बात करते करते यस गुड मॉर्निंग जय श्री राम जय श्री राम आज शायद नवरात्रि का पर्व भी है हमारा सो so, जय श्री राम टू एवरी एंड फटाफट फटाफट शेयर कर दो तो, जल्दी जल्दी लोग आ जाए एंड देन स्टार्ट विद लेक्चर सो गाइज क्या क्या बोलते हो आप लोग लॉकडाउन ओपी हाँ लॉकडाउन में तो मजा है भाई मजा कर रहे हो ना पढ़ाई का <laughs> एग्जाम नहीं दिया इलेवंथ में पहुंच गए इससे और ज्यादा बड़ा चीज क्या हो सकती है बताओ लॉकडाउन में है ना तो चलो स्टार्ट करते दोस्तों स्टार्ट कर दिया जाए आज का सेशन चलो आगे कल सेशन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि लास्ट जो टॉपिक किया था हमने सेट्स uh, uh, जो इसके पहले वाला जो एपिसोड था उसमें हमने पढ़ा था सेट्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट सेट तो वो एक बार एक बार हम लोग एकदम एकदम शॉर्टकट में एक रिफ्रेश कर लें है ना सो सेट्स सेट सेट इज इज व्हाट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था अच्छे से है ना तो वो जरूर जिसने नहीं देखा है जरूर जाके देख लेना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सब कुछ समझना आगे का जो पढ़ेंगे हम लोग सो सेट कैन बी रिटर्न इन टू वे क्या है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर और लिस्ट ये रूल मेथड या फिर लिस्टिंग और रोस्टर मेथड लिस्टिंग और रोस्टर मेथड बराबर है ये सब हमने पढ़ा था इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं और इसको लिस्ट कर देते हैं पूरा एलिमेंट जो है उसके अंदर लिख देते हैं बस काम खत्म हो जाता है ये सब पढ़ा था हमने पहले लेक्चर में और क्या पढ़ा था दोस्तों और क्या पढ़ा था हमने ये पढ़ा था कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या है सेट कैसे लिखते हैं वो सब पढ़ा था उसके बाद में बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू तो पढ़ा था अच्छे से है ना सेट्स कैसे सेट्स होते हैं वो भी पढ़ा था तो ये सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी अब जो ये लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सेट्स सो सम टाइप्स ऑफ सेट्स विच आर यूज्ड इन 11th कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स जो 11th में यूज करने वाले हैं और इसके आगे कुछ यूज करने वाले हैं वो इसमें पढ़ेंगे बाकी बाकी छोड़ देंगे बाकी बाकी धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे एकदम टाइम बहुत लंबा है है ना तो चलिए यस जेई -E -E के बारे में पूछ रहे हो सर जेई -E, क्या सब सब पढ़ाएंगे सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे पेशेंस पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों धीरे धीरे सब करेंगे बट but... ओके <laughs> चलो आगे करें आगे करते हैं ओके सो so पहले पहले बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है मुझे लगता है ना जब भी भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने जाते हो तो पहले उसका बेसिक पढ़ लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए तो बेसिक्स है पूरा एनसीईआरटी आप पूरा एकदम अच्छे से करो फिर उसके आगे का जो भी करना रहेगा वो जरूर करेंगे दोस्तों है ना चलो अब देखो टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या क्या टाइप्स ऑफ सेट्स जो है हम लोग लेवेंथ में एटलीस्ट पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं तो पहले ये ये जो इसमें मैं पर्टिकुलरली ये लेक्चर की बात करूं सो so, ये ये चार, चार चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं है ना आ, ये ये तीन चीज हो गई ये वाली और ये लास्ट में पढ़ेंगे ये दोनों मतलब छह चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें ये चार मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट सेट सबसेट सबसेट भी नहीं फाइनाइट इनफाइनाइट देन मैं आपको लिख के बता दूं ज्यादा बेटर होगा ओके okay. क्या क्या ये ये लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ओके okay. सो so, हम पढ़ने वाले हैं फाइनाइट सेट उसके बाद में इंफेनिट सेट उसके बाद में इक्वल सेट पढ़ेंगे सिंगलटन सेट पढ़ेंगे और पढ़ेंगे सेट ये लेक्चर में जो हम लोग को ये एक्सरसाइज में यूज होने वाली है ओके okay. चलो आगे बढ़ते हैं क्या क्या देखते हैं हम लोग इसमें अब पहले मैं बोलू तो पहले हमारा एम सेट एम सेट का मतलब फाइव सेट भी होता है दोस्तों या फिर वॉइड सेट भी होता है ओके सो एम्प्टी सेट को और क्या बोलते हैं फाइ सेट वॉइड सेट ओके सो दैट इज वन एंड द सेम एम्प्टी सेट बोलो फाइ सेट बोलो या फिर वॉइड सेट बोलो ओके okay. अब देखो मतलब एम्प्टी देखो ये सब सेट्स जो है था ना खुद नाम से ही पता चल जाए तुमको नाम से ही पता चल जाए अब एम्प्टी का मतलब क्या होगा एलिमेंट्स जीरो होंगे है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट विल बी जीरो सो एम्प्टी सेट सेट विच नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम सेट और नल सेट इसको और क्या बोलते हैं नल सेट भी बोलते हैं सो सेट और नल सेट और सेट ओके okay? तो ध्यान में रखना इसको फाइव से भी डिनोट करते हैं फाइव सेट भी बोलते हैं ध्यान में रखना एग्जाम्पल बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया हुआ यहां पर क्या बोला है? कि a, ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टू एक्स क्या है नेचुरल नंबर अगर मैं देखू ने दिस इज वन दिस इज टू दिस इज जीरो दिस इज थ्री सो ऐसा एलिमेंट एक्स है एक्स ऐसा नेचुरल नंबर है जो वन से बड़ा है और टू से छोटा है इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या वन और टू के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं है ना सो so, इसका जब मैं लिखने बैठूंगा लिस्टिंग फॉर्म में तो क्या आएगा कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं सो दिस टाइप ऑफ सेट आर एम टी सेट और अ वाइट सेट सिंपल ओके नो एलिमेंट्स एक भी एलिमेंट्स नहीं होंगे तो क्या बोलेंगे एम टी सेट एनल सेट और अ व्हाइट सेट अब यहां पे मैं देखूं यहां पे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स इज अल नंबर अब यहां पे ये क्या है ये, ये इसका एग्जाम्पल है या नहीं है एम सेट का सो so, देखते हैं सो सो इधर गया तो प्लस हो जाएगा और so, पे क्या बोला है एक्स इज राशनल नंबर बट इराशनल नंबर मिल रहा है मतलब ये भी जब मैं सेट को लिस्टिंग फॉर्म में लिखूंगा तो कोई भी एलिमेंट नहीं है एक्स का एक्स क्या है राशनल नंबर मिल रहा है बट यहां पे क्या बोला एक्स तुम्हारा नंबर है यहां पे बट कोई भी राशनल मिल रहा है क्या इसमें नहीं मिल रहा है मतलब कोई भी ये एलिमेंट नहीं है सेट बी में मतलब दिस टाइप ऑफ सेट्स आर एम्प्टी सेट ओके आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं दोस्तों हर एक चीज बुक का देखेंगे कोई भी बुक का कोना छोड़ेंगे नहीं ओके आगे देखते हैं एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू अब मुझे यह बताओ हमारे पास ये सी का मैं अगर लिखूं सी में विच इज इवन प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर इज ओनली टू ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है वो सिर्फ टू है टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है वो कौन है ओनली टू है भैया you, इतना अच्छे-अच्छे दोगे ना तो मजा ही आ जाएगा बट so, ग्रेटर so, जो इवन भी है प्राइम भी नहीं प्राइम भी है ऐसा कोई भी नंबर नहीं है सो so, मतलब क्या सी इज ऑल्सो एम टी सेट अब डी के बारे में देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ फोर रूट ऑफ फोर इज टू टू इज वॉट इवन नंबर है ना इवन नंबर है बट एक्स को क्या बोला एक्स इज ऑड सो है क्या ऑड नहीं तो डी में क्या आएगा अगेन एम टी सेट ऑड नंबर तो है ही नहीं एक्स कोई भी एक्स का वैल्यू ऑड है क्या नहीं एक तो प्लस टू है माइनस टू एल्विन बोथ आर वॉट इवन सो दैट्स वाई दिस इज वॉट अगेन एम टी सेट That's why this type of sets अब example से हम पूरा समझ लिया कि empty set कैसा होता है दोस्तों मैथमेटिक्स हार्ड होता ही नहीं है सिर्फ हमको समझने की देरी है एक बार समझ गया ना तो हम लोग सब जितना भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं सब उड़ा देंगे ओके okay, चलिए और एक बात संजीव सर भी आएंगे ये प्लेटफॉर्म में बट हर एक चीज एक बंदा करे वो तो हो नहीं सकता है ना तो वो कुछ टॉपिक्स के साथ वो भी आएंगे फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स के साथ रंजीत सर भी आएंगे और कुछ टॉपिक के साथ और एक सर हैं वो भी इंट्रोड्यूस होंगे ओके सो डोंट बी वरी फॉर दैट जो जितना अच्छा आप लोग को मिल सकेगा वो हमारी तरफ से हम देने की कोशिश करेंगे ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनाइट ये वापस से नाम से ही पता चल गया एलिमेंट ऑफ द सेट अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट है ना अगर एलिमेंट ऑफ द सेट इज काउंटेबल दाइनाइट सेट चलो देखते हैं मतलब अब डब्ल्यू इज अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक डब्ल्यू में वीक में नंबर ऑफ डेज अब नंबर ऑफ डब्लू इज अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक वीक में डेज क्या रहता है मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे बराबर है अब यह सात दिन है साथ काउंटेबल है कि नहीं एलिमेंट्स आर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन काउंटेबल है पता चल गया फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है दोस्तों तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि जब भी एलिमेंट्स आर काउंटेबल अ सेट विच इज एमटी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनाइट एम टी नहीं विच इज नॉट एम एम टी एम टी एम टी भी हो सकता yes, है यस काउंटेबल है ना जीरो एलिमेंट्स है सो अ सेट विच इज एमटी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स अगर काउंटेबल होंगे सेट के एलिमेंट्स अगर काउंटेबल होंगे डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स एम टी सेट में भी देखूं मैं एम टी सेट में भी तो क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज वॉट अगर मैं ए बोलू दिस इज अवर सेट ए सो ए में नंबर ऑफ सेट एज वॉट जीरो कर सकते हैं तो एम टी सेट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट तो ध्यान में रखना है बात ओके okay? चलो सो so जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल देन इट इज वॉट फाइनाइट सेट जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट इज अब आगे बढ़ेंगे वो अभी बता दू तो क्या फायदा चलो आगे का एग्जाम्पल देख ले हम लोग लेट एस बी द सेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन

चलो, उंटेबल so है कि नहीं है काउंट कर सकते है नहीं कर सकता yes, है, यहां पे, यहां पे है, okay? है बड़ा यूनिक सा है, और डेफिनेशन पे बेस्ड है हमारे तो जरूर लास्ट में करेंगे इसको देखिएगा सेट ऑफ मंथ इन अयर अब सेट ऑफ मंथ मंथ बोलेगा तो जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मे जून जुलाई है ना अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। अगर मैं इसको काउंट करूं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ट्वेल्व सो नंबर ऑफ मंथ्स आर काउंटेबल मतलब ये सेट में है, सेट में है, जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है ऑल्सो फाइनाइट सेट अब मैं यहां पे आता हूं सेट ऑफ ऑल आल इंग्लिश अल्फाबेट्स सो कितने होते हैं नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर सो ये सेट में सब जो एलिमेंट्स है ए बी से लेके जेड तक सब क्या है काउंटेबल है कि नहीं है यस yes, काउंटेबल है दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो वॉट फाइनाइट सेट ध्यान में रखना दोस्तों तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज काउंटेबल देन इट इज वॉट फाइनाइट सेट बस काम खत्म बहुत ईजी अब मैं आता हूं ये अपने एक क्वेश्चन जो छोड़ा था हमने उसके ऊपर ये थोड़ा मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूं अलग कलर से बताने की कोशिश करता हूं देखो जरा मेरा एक लाइन सेगमेंट है लाइन है नॉट सेगमेंट दिस इज लाइन क्या बोला है लाइन है जी इज अ सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन लाइन के ऊपर कोलिनियर पॉइंट है ये ये लाइन होता है तो लाइन किससे फॉर्म करता है कोलिनियर पॉइंट से फॉर्म करता है है ना लाइन किससे फॉर्म करता है कोलिनियर पॉइंट से फॉर्म करता है सो so, ये कोलिनियर पॉइंट कैसे बहुत सारे मिला के इनफाइनाइट क्या है इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट फॉर्म्स लाइन बराबर है यह पढ़ा था हमने लाइन का डेफिनेशन इनफाइनाइट कोलिनियर पॉइंट फॉर्म अ लाइन सो मुझे ये बताओ ये क्या इनफाइनाइट है काउंट कर सकते हो क्या इसके ऊपर पॉइंट्स इनफाइनाइट है तो काउंटेबल है ही नहीं मतलब दिस इज नॉट योर फाइनाइट सेट अब ये जानबूझ के इधर डाल दिया गया है ये आपको डिफरेंस बता सके डिफरेंस पता चल गया अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाले पे इसका ओपोजिट इंफेनाइट सेट पे तो मतलब वो लाइन वाला क्या था इंफेनाइट सेट था अब जरा ध्यान से देखना <coughs> तो जब भी, भी जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल मतलब काउंट ही ना कर सके हम लोग काउंट ही ना कर सके सो इनफिनिट सेट सिंपल नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि मतलब क्या है अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है नंबर ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनडेफिनेट काउंटेबल ही नहीं है तो इनफिनिट सेट खत्म अब देखो जरा ध्यान से एग्जाम्पल देखना लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन

अब यहां पे एक्स सच दैट एक्स belongs टू एन एक्स क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एक्स इज अ प्राइम नंबर अब प्राइम नंबर नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर टू है थ्री है फाइव है सेवन है एंड ऑन बहुत सारे हो सकते हैं काउंट नहीं कर सकते दैट्स वाई नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर्स बहुत सारे होते हैं दोस्तों बहुत सारे होते हैं सो so, इनफेनाइट होते हैं दिस इज आल्सो इन्फेट सेट अब देखो अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स होल नंबर्स मतलब जीरो से स्टार्ट होता है जीरो वन टू थ्री फोर इनफिनिट तक है ना खत्म ही नहीं होता तो काउंट भी नहीं कर सकते दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो अ इनफिनिट सेट एग्जाम्पल ऑफ इनफिनिट सेट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इंटीजर्स में क्या आएगा डॉट 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 माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री डॉट 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 मतलब इसमें भी एलिमेंट्स इज अनकाउंटेबल एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सेट्स आर व्हाट इनफिनिट सेट इजी हो गया सबको सब कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है कि सारे लोग को एकदम इंटरेस्टिंगली समझ में आ रहा है एकदम इजी पीजी थियोरी है है ना चलो अब प्रॉब्लम देखो मैं भी कभी स्टूडेंट था तो क्या होता है मालूम है मतलब तुमको एक फैक्ट बताऊं जब हम लोग स्टूडेंट थे या पढ़ते थे जब टेंथ से एलेवेंथ में आता है ना ट्रांसिशन फेस होता है हमारे लाइफ का मतलब यार टेंथ तक तो अलग पढ़ा लेवंथ ट्वेल्थ में आके अलग पढ़ रहे हैं और पता ही नहीं चलता है टीचर्स भी ऐसे ऐसे होते हैं बेसिक नहीं सिखाते हैं तब जाके ना हमको वो डिफ़िकल्टी मिलती है लाइफ में क्या बताएं मतलब कि समझ नहीं आ रहा है और टीचर पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है मतलब वो क्यों पढ़ा रहा है पता ही नहीं है अगर हम बेसिक से पढ़े ना अगर मुझे थर्ड फ्लोर पे जाना है तो फर्स्ट सीढ़ी डी चढ़ूँ सेकेंड सी डी थर्ड सीढ़ी डी तो वो इजी हो जाएगा मैं डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर पे उड़ी मार के चढ़ने चल, की कोशिश करूं गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा मर जाऊंगा है ना तो वो डिफिकल्टी उस टाइम पैदा हो जाती है तो हम लोग क्या करेंगे ना बेसिक से जाएंगे एकदम छोटा छोटा, छोटा चीजें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा मैथमेटिक्स में ओके तो वो थोड़ा ये ट्रांजिशन फेज होता है बहुत आराम से जाएंगे बहुत हलवा तरीके से हम टेंथ से इलेवेंथ में जाएंगे और वो जो डिफरेंस रहता है वो हम लोग भर देंगे ओके तो वो काम करेंगे एकदम आराम आराम से यस सिक्सटी थाउजेंड ओ थैंक यू गाइस आप लोग का इतना प्यार देख के ही मुझे ये लेवेंथ में देखो मैंने इस साल मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ वी आर ऑफलाइन टीचर्स तो हम लोग ने इस टाइम क्लासेस भी नहीं ली सोचे कि भाई ये जो इतने इतने प्यार दिखा रहे हैं आप लोग तो उसके ऊपर ही फोकस किया जाए तो क्लासेस भी हम लोग ने इस टाइम ऑफलाइन क्लासेस भी एडमिशन नहीं ली है आप लोग का प्यार देख के और आप लोग के लिए भी अब मेरे को तो सही में बताऊं जहां प्यार मिल जाए वहीं घुस जाता हूं मैं तो थैंक यू फॉर दिस मच लव फ्रॉम योर साइड एंड देखते हैं आगे और जर्नी किधर तक जाती है आपके साथ में है ना थैंक यू थैंक यू सो मच ओके इतना प्यार दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे देखते हैं इसमें इक्वल <coughs> सेट्स अब नाम सजेस्ट कर रहे हैं सेट्स इक्वल कब होंगे वो तो देख लिया जाए सो इक्वल कब होंगे दोस्तों अब देखो अगर मेरे पास ए एक, एक एक मैं एक्स ले लेता हूं एक्स इज अ कंटेन बी एंड एफ एलिमेंट्स एंड वाई इज अ सेट विच कंटेन एलिमेंट एफ बी एंड ई इसका मतलब देखो मुझे ये पता नहीं है लेकिन सब एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स में देखो इसमें जितने भी एलिमेंट्स देखो बी यहाँ पे भी बी है ई यहां पे भी ई है e, और एफ मतलब यहां पे भी एफ है सब मतलब सेम एलिमेंट्स दोनों सेट में होंगे सेम एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स अगर दोनों सेट में होंगे ऑर्डर पहला है दूसरा है तीसरा है कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन क्या है एलिमेंट्स सेम है दोनों सेट में देन सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट्स मतलब सेट्स इक्वल कब रहते हैं जब दोनों सेट में एलिमेंट्स सेम होंगे तो सेट्स आर इक्वल सेट ओके अब अब थोड़ा ध्यान में रखना ये इक्वल सेट और एक बैलेंस सेट आएगा थोड़ा सा मैं बताऊंगा जरा ध्यान से देखिएगा so ये हमने इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा यहां पे भी मैं एग्जाम्पल ले लू तो ए है इज वन टू थ्री फोर एंड इज थ्री वन फोर टू देखो वन यहां पे भी वन टू यहां पर भी टू थ्री यहां पर भी थ्री देन फोर यहां पे भी फोर मतलब सारे चीजें इसमें जो है इसमें भी सारे चीजें सेम है कोई भी एक्स्ट्रा कुछ में भी नहीं है मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है क्या दोनों में से एक में नहीं मतलब सेम एलिमेंट्स एग्जैक्टली दैट्स व्हाई दिस सेट्स आर इक्वल सेट सेट इज इक्वल टू सेट बी खत्म आगे देखते हैं अ सेट बी बी इज लेट ए द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन सिक्स लेस देन सिक्स अब ये देखना जरा ओके सो प्राइम नंबर लेस देन सिक्स ए में क्या आएगा विच आर द प्राइम नंबर लेस देन सिक्स टू थ्री फाइव सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ थर्टी अब थर्टी का मैं प्राइम फैक्टर देखूं तो टू टेन् सॉरी थ्री टेनजा टू फाइजा फाइव एनजा मतलब इसका प्राइम फैक्टर्स का भी मैं अगर सेट बनाऊं सो so, ये पी जो है दिस इज एंड दिस इज पी सो पी में क्या क्या आएगा प्राइम फैक्टर्स ऑफ थर्टी सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ थर्टी आर थ्री टू एंड फाइव सो थ्री टू एंड फाइव अब देखो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है yes, exactly same elements है यस सेम एलिमेंट्स ए विल बी इक्वल्स टू पी है ना सो सेट्स आर इक्वल सेट्स आगे देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों अब देन ए एंड पी आर इक्वल सिंस वो सब दिया है सब बता दिया है, चलो ये सब वही है जो मैंने बताया लिख के अब आगे देखते हैं कुछ और चीजें हैं जो इसमें मिसिंग है मैं मैं बता देता हूं कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा अब आ गया हमारे पास एक एक चीज है जो सिंगल्टन सेट है सिंगल्टन सेट सिंगल्टन सेट और यूनिट सेट यूनिट सेट भी वही होता है जब भी सेट भी में एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो ये सेट में सेट ए में एक ही एलिमेंट है दैट इज वन सो दिस आर सिंगलटन सेट सेट बी में अगर मैं ए लिख दूं सो अगेन इट इज सिंगलटन सेट बिकॉज़ इट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट एक ही एलिमेंट है सो दैट दिस टाइप ऑफ सेट्स आर नोन एज व्हाट सिंगलटन सेट आगे आगे अब देखो इक्वल सेट समझा हमने इक्विवेलेंट सेट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंस सेट इक्वी बैलेंस सेट में और अब एक्चुअली तुम लोग बोलोगे सर नाम सेम दिख रहा है बट थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंस है देखेंगे इक्वी बैलेंस सेट में अगर मैं सेट ए लिखू ए बी सी सेट बी लिखू ई एफ जी सो होता क्या है कि नंबर ऑफ सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन टू थ्री बी का नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगेन वन टू थ्री

नंबर ऑफ देख रहे हैं इसमें क्या देख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ये इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए देखो है ना एलिमेंट्स भी सेम है अंदर के और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे तभी सेम होंगे है ना सो so, वो क्या होगा इक्वल सेट बट इक्वल में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखा वो एलिमेंट्स अलग अलग रहे या सेम रहे कोई फर्क नहीं पड़ता ओके okay, चलो सो so, ये हमने सारांश पढ़ लिया डेफिनेशन पढ़ ली अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन कैसा हमारे पास देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए अब हमारा एक्सरसाइज चालू हो गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट नल सेट का एग्जाम्पल देना है बेटा ओके मतलब okay, इसमें से कौन सा सेट है वो बताना है <clears throat> अब देखो सर क्वेश्चन पे ध्यान दे देते हैं एकदम अच्छे तरीके से एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया स्टेटमेंट समझ गया ना क्वेश्चन अच्छे से लिख पाओगे देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला देखना फर्स्ट वाला डिविजिबल बाय टू ऑड नैचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू ऑड नैचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू मुझे यह बताओ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय टू सो so, uh, कोई भी ऐसे ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय टू होते हैं क्या कोई भी ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय टू होता है क्या नहीं सो दिस इज गोइंग टू बी एम सेट भैया ऑड नंबर्स तो वन ऑड नंबर्स अगर मैं लिखू ऑड नेचुरल नंबर तो क्या आएगा वन थ्री फाइव सेवन एंड सो ऑन मतलब जो टू से डिविजिबल नहीं है वो क्या है ऑड नंबर है लेकिन यहां पे क्या बोला है एक ऐसा नंबर है जो ऑड है और टू से डिविजिबल है तो ऑड है तो टू से डिविजिबल होगा कैसे तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऑड हो और टू से डिविजिबल हो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी एम टी सेट सेकेंड वाला देखना सेकेंड वाला फर्स्ट वाला हो गया सेकेंड वाले भी आते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इवन भी हो प्राइम भी हो सो so, कौन सा नंबर है अब भी अब भी बताया था दोस्तों टू टू इज अ नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम है ना सो so, प्राइम भी है और क्या है इवन भी है सो टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर मतलब अगर ये सेट का बोलू तो नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है क्या नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो सो ये एम सेट या फिर वॉइड सेट हो नहीं सकता सो दिस इज नॉट इसमें नॉट एम सेट ओके तो ध्यान में रखना इसमें पूछा है सिर्फ एम सेट है या नहीं है वो बताओ या फिर नल सेट है या नहीं है वो बताओ सो दैट इज दिस इज नॉट एम सेट या फिर नॉट नल सेट ध्यान में रखना अब ये हो गया तो ये हमने अभी अभी पढ़ा दिस टाइप ऑफ सेट आर नोन एज वॉच इस ये टाइप के सेट को क्या बोलते हैं हम लोग ये पूछा नहीं है बट बता रहा हूं और हमको आना भी चाहिए मेरे हिसाब से सो दिस टाइप ऑफ सेट्स आर नोन एस वॉच सिंगलटन सेट नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है एक है सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर वन सो नंबर ऑफ एलिमेंट वन है तो क्या होगा सिंगलटन सेट ध्यान में रखना ऐसे टाइप के सेट को क्या बोलते हैं सिंगलटन सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट वन ध्यान में रखो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री एक्स इज एन नंबर एक्स स्मॉलर देन फाइव एंड ग्रेटर देन सेवन अभी मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा आपके लिए एक्सेस क्या बोला है एक्स स्मॉलर देन फाइव And excess and excess greater than देन सेवन अब मैं एक नंबर लाइन बनाता हूं जरा ध्यान से देखना So this is फाइव सिक्स सेवन एट This is 4 फोर Okay? अब जरा ध्यान से देखना दोस्तों बहुत बहुत मजेदार मजेदार है बहुत मजेदार है ऐसा नंबर एक्स जो फाइव से छोटा है फाइव से छोटा लेकिन वो सात से बड़ा है भैया कौन सा ऐसा नंबर है कॉमन जो फाइव से छोटा है और सात से बड़ा है कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है कॉमन नंबर है क्या देखो जरा जो छाइव से छोटा और सात से बड़ा नहीं है नहीं है कॉमन ऐसा कोई नंबर ही नहीं है मतलब दिस इज गोइंग टू बी वॉच एम टी सेट है ना एम टी सेट ध्यान में रखना चलो आ, आगे लास्ट क्वेश्चन इसमें करें इसका फोर्थ वाला वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन इन टू Oh ओ हो हो जब मैं दो parallel लाइन बना दू दो parallel लाइन एल एंड एम एल इज parallel टू एम L क्या है एल इज parallel टू एम भैया हमने पढ़ा था टेंथ में जब दो पैरल लाइंस हैं तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट तो होगा ही नहीं कॉमन पॉइंट होगा क्या कोई जब देखो लाइंस के बारे में पढ़ो जब दो एक इंटरसेक्ट दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं तो देर इज वन कॉमन पॉइंट जब दो कोइंसिडेंट लाइन्स होते हैं एल और एम मतलब एक के ऊपर एक लाइन होता है इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट बराबर है और ये सा, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होगा वन कॉमन पॉइंट बट पैरेलल लाइंस में देर विल बी जीरो कॉमन पॉइंट नो कॉमन पॉइंट सो दिस दिस टाइप टाइप ऑफ लाइन ट आप क्या पूछा है इज कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैनल सो दिस टाइप ऑफ सेट आर एम टी है सारे कुछ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी और मुझे नहीं लगता है कि भैया किसी को भी कुछ भी डाउट यहां पे बचा होगा और बचना भी नहीं चाहिए हमको कोई भी डाउट लेके आगे नहीं बढ़ना है दोस्तों हम एक 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 चीज अच्छे से लेके बहुत टाइम हमारे पास भरपूर है पढ़ना है हम पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे बस काम खुद है ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से चलो आगे बढ़ते हैं विच ऑफ आर फाइनाइट और इनफाइनाइट बहुत बहुत इजी है दोस्तों बहुत इजी है अब जब हम लोग एलिमेंट्स काउंट कर सकेंगे सो so फाइनाइट जब एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकेंगे तो इनफाइनाइट बराबर है बराबर है ना चलो अब देखो जरा द सेट ऑफ मंथ इन अयर अगर मैं बोलू सेट ऑफ मंथ इन अयर सो देर आर ट्वेल्व मंथ जनवरी फेबरवरी मार्च अप्रिल मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर अक्टूबर नवंबर एंड डिसंबर मींस नंबर ऑफ अगर ये सेट ए नाम दे दू दिस इज सेट ए सो नंबर ऑफ सेट ए इज वॉट ट्वेल्व काउंटेबल है सो दैट्स वाई दिस सेट इज फाइनाइट दिस सेट इज वॉट फाइनाइट सेट फर्स्ट वाला हो गया अब सेकेंड वाले पे देखो सेकेंड वाले पे दोस्तों सेकेंड वाले पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर मैं बोलू ये सेट बी है सेट बी में वन टू थ्री डॉट 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 भैया डॉट 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 तो दिख रहा है मतलब काउंट तो कर ही नहीं सकते काउंट तो कर ही नहीं सकते तो क्या बोलेंगे इंफाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज नॉट काउंटेबल बराबर है काउंटेबल नहीं है देयरफॉर फोर इट इज इनफाइनाइट सेट और सारे लोग सारे लोग मैं बता रहा हूं सारे लोग सब लोग जो जो भी जुड़े हुए हैं और सब लोग इतना अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो जवाब दे रहे हो सारे लोग कमेंट जरूर करना एक एक है ना तभी तो मेरा जोश बरकरार रहेगा भाई और आपका प्यार देख के ही हम यहां पे वापस आते हैं आपके पांडे जी जो है फिर से आएंगे कब जब आपकी तरफ से ऐसा ही प्यार जो है ना बरकरार रहेगा और मैं चाहता हूं भाई आ, ये साल तो भाई आपके साथ ही गुजारूं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ यहां पे मैं देखूं सो देखो टू थ्री डॉट 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 नाइनटी नाइन एंड हंड्रेड अब मुझे यह बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी दिस इज सेट सी लेटेड सेट सी सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी इज व्हाट हंड्रेड काउंटेबल है ना काउंट कर सकते हैं दैट्स व्हाई दिस इज इज व्हाट व्हाट इट फाइनाइट सेट ओके आगे 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 अब अब आगे बढ़े द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन हंड्रेड हंड्रेड से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर वाला देखते हैं, डी ओके हंड्रेड से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर तो मतलब हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड टू एंड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर तो पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे हो सकते हैं बहुत सारे हो सकते हैं इसका मतलब इनफाइनाइट सेट काउंटेबल नहीं है बेटा नहीं काउंट कर सकते हैं बराबर है फिफ्थ वाला देखते हैं द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन नाइनटी नाइन सो अगर ई e मैं डाल दू सो सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन नाइनटी नाइन सो नाइंटी नाइन तक का प्राइम नंबर काउंटेबल है ना काउंटेबल है टू से स्टार्ट होता है टू थ्री फाइव एंड सो ऑन लास्ट वाला शायद मुझे लगता है नाइनटी सेवन होगा बराबर है लास्ट वाला क्या है नाइनटी सेवन सो इज इट काउंटेबल काउंटेबल है काउंटेबल है यस, yes. काउंटेबल है दैट्स वाई फाइनाइट सेट क्या होगा फाइनाइट सेट प्राइम नंबर लेस देन नाइनटी नाइन मीन्स वॉट काउंटेबल चलो फाइनाइट सेट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन उसके पहले मैं थोड़ा पानी पी लू बेटा <coughs> क्या हुआ चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ <coughs> स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनेट और इन्फेन्ट वापस सेम फाइनेट और इन्फेंट वाह तब तो हम आग लगा देंगे बे अब है ना देखा जाए द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस अब देखो थोड़ा ज्योमेट्रिकल भी है सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस दिस इज आवर वाई एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस अब एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइंस बराबर है ना द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस भैया अगर मैं लाइन बनाऊं ऐसा 1 2 3 4 5 6 तो ऐसा बहुत सारे लाइंस बन सकते हैं दोस्तों बहुत सारे लाइंस बन सकते हैं जो एक्स एक्सिस को पैरेलल हो सो so ये क्या होगा दिस इज व्हाट इनफाइनाइट सेट बराबर है ना सो दिस इज व्हाट इनफाइनाइट सेट सो क्या लिखेंगे इनफाइनाइट सेट ध्यान में रखना कैसे कैसे ढूंढ लिया हमने है ना अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सेकंड वाला दिस इज फर्स्ट वाला अब चलते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट में सेट ऑफ लेटर्स अगर मैं इसको बी नाम डाल डालू सो ए बी सी डी अप सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज व्हाट नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर सिक्सटी ट्वेंटी सिक्स एंड देर फॉर इट इज काउंटेबल काउंटेबल है तो इट इज फाइनाइट सेट ओके okay, ध्यान में रखना ये बात अब थर्ड वाले पे आते हैं दोस्तों थर्ड वाला थर्ड वाला क्या है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव भाई मल्टीपल ऑफ फाइव मैं बोलूं तो क्या क्या आ सकता है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव सो फाइव वन जब फाइव फाइव जो फिफ्टीन नॉल चलता ही रह जाएगा अगर ये सी है सो फाइव फाइव टू जा टेन फाइव थ्री 5 4 20 एंड डॉट 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 इसका 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 मतलब क्या हो गया बहुत सारे नंबर से जो फाइव से मल्टीपल है और फाइव से मल्टीपल बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स इनफाइनाइट सेट ओके बहुत इजी हो गया बहुत इजी हो गया दोस्तों अब आते हैं चौथे नंबर के सवाल पे इसका मतलब फोर्थ क्वेश्चन सेट ऑफ द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द ऑन द अर्थ अब सर क्या है क्या बकवास कर रहे हो कैसे काउंट करें भैया पॉपुलेशन काउंट होता है ना होता है जानवर का भी हम काउंट रखते हैं हमारे ओके सो इट इज अगर पूरा अर्थ पे देखा जाए तो जानवर काउंटेबल है ऐसा मान लो जाके काउंट मत करने लगना बट ठीक है काउंटेबल है पॉपुलेशन आर काउंटेबल ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ चाहे तुम लोग जानवर ले लो लायन uh, भी बोलते ना इतना इतना हमारे पास लाइन है इतना इतना उसके पास लाइन है मतलब काउंट तो रखते हैं मतलब क्या हो जाएगा दिस इज फाइनाइट सेट सेट फोर्थ वाला इज फाइनाइट ओके ध्यान में रखना अब फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन सो फिफ्थ क्वेश्चन द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन बनाऊं दिस इज अवर ओरिजिन दिस इज जीरो और यहां पे अगर मैं सर्कल बनाऊं तो चलो एक बन गया दो बन गया ओरिजिन से पास होता हुआ इधर भी पास हो जाएगा ऐसे जितना रेडियस लोगे उतना अलग अलग सर्कल्स मिलता रहेगा मतलब इनफाइनाइट ओके इनफाइनाइट से चलो यहां पे हम लोग ने एक से से, ये क्वेश्चन खत्म कर ली अब आगे बढ़ते हैं बहुत इजी सा सवाल है और इजी सा सवाल देखने से पहले भैया एक बात तो माननी पड़ेगी तुम लोग टेंथ से इलेवेंथ में आ गए हो लेकिन कॉलेज नहीं गया ना तो वो मुझे लगता है ना एक जो फीलिंग है कॉलेज वाली वो तुम लोग से ये ये साल मिस कर दोगे है ना क्या सही बात है कि नहीं है अगर हम लोग समझ लो कि कोरोना होता ही रहता है और ऐसे ही पढ़ाई करते रहते हैं चलो तो पढ़ाई तो हो जाएगी कोई बात नहीं है हम करेंगे ही लेकिन नोटबुक और पेंसिल पेन पेंसिल सब साथ में रखना वो तो करेंगे बट एक बात मैंने मतलब मैं अगर सोचता हूँ तो बड़ा अजीब सा फील होता है जो हमने आ, महसूस किया है कॉलेज जाके या कहीं जाके इंटरेक्शन होना या किधर जाते हैं हम लोग मतलब मेरे हिसाब से कॉलेज का ही बात करूँ तो बस सही सही रहेगा एलेवेंथ से हम टेंथ से जब हम इलेवेंथ में जा रहे हैं इलेवेंथ में कॉलेज ही नहीं यार फर्स्ट डे क्या सोचोगे क्या क्या करोगे फर्स्ट डे का मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको माई आई एम वेरी साई टाइप ऑफ गाय मतलब थोड़ा शर्मिला टाइप का इंसान हूँ आप लोग देखते ही हो और पता चल गया होगा इतना दिन में तो फर्स्ट डे में हुआ क्या वी आई वॉज इन बिरला कॉलेज तो हम लोग ऐसे uh, एक ही स्कूल के बच्चे थे बहुत सारे तो सोचते थे कि साथ में जाएंगे साथ में बैठेंगे और फर्स्ट डे में क्या हो गया इंसिडेंट uh, कि मैं हो गया लेट मतलब सब सब जो दोस्त निकल गए पहला दिन जा गया और देखा तो सारा स्कूल पूरा भरा हुआ है कॉलेज पूरा भरा हुआ है एक भी बेंच खाली नहीं सामने वाला एक बात तो ऐसी हो जाती है सामने वाले बेंच पे कोई नहीं बैठता तो टीचर के एकदम सामने वाला मतलब तो एक तो इतना बड़ा उस क्लासरूम रहता है कॉलेज का ना तो उसमें अकोमोडेशन लगभग डेढ़ सौ से दो सौ बच्चों की एक एक क्लासरूम में होती है तो ऐसे इस क्लासरूम में सब भरा हुआ पूरा खचाखच फर्स्ट डे था भाई कोई छोड़ता भी नहीं सब लोग जाते अरे यार हम भी गए तो देखे भैया क्लासरूम तो पूरा भरा हुआ है फर्स्ट बेंच ही छूट गया अब हम भी थोड़ा डर गए अब टीचर बुलाई देख ली तो टीचर बुलाई फर्स्ट बेंच में बैठो बैठ गए जाके थोड़ी देर के बाद और एक लड़की आई मैं तो वैसे ही शर्मिला हम लोग डर जाते हैं देख के बस वो आके बगल में बैठ गई तो मैं इस साइड सरक गया तो चलो बेंच बड़ी है थोड़ा सरक जाए फिर क्या हुआ फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी और एक लड़की आ गई भाई लड़की वो लड़की के बगल में जाके बैठो नहीं उसको इस साइड से सा, इस साइड बैठ गई मैं बेचारा इसे एकदम <laughs> तो अब जब तक वो डेढ़ घंटा गया नहीं है कॉलेज का क्लासरूम का तब तक तो हम ऐसे बैठे थे <laughs> ऐसा पोजीशन था कि भाई ना हिल सकते हैं इधर ना हिल सकते हैं उधर तो ये फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस ऐसा रहता है ना मतलब मेरे को लगता है ना कि अभी ये सब एक्सपीरियंस है ना तुम लोग वो मिस कर जाओगे यार वो मज़ा तुम लोग का जो लाइफ का है ना और ये सब टाइम जो रहता है ना वो सबसे यूनिक टाइम रहता है लाइफ का है ना तो वो वो थोड़े कहीं ना कहीं तुम लोग मिस करोगे एंड आई फील सैड फॉर दैट ओके ठीक है चलो लाइफ मस्ट गो ऑन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं किससे बहुत सारे हैं? बताते रहेंगे चलो इन दॉलोइंग सेट वेदर एज इक्वल टू बी और नॉट सो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में ए देखा जाए ए में क्या है ए में एलिमेंट ए बी सी एंड डी बराबर है एंड बी में एलिमेंट्स देखा जाए तो डी सी बी एन ए डी सी बी एंड ए बराबर है अब देखो जरा जरा देखो ध्यान से देखना यहां पे ए है यहां पे भी ए है यहां पे बी है यहां पे भी बी है यहां पे सी है यहां पे भी सी है यहां पे डी है यहां पे भी डी है, है सही है चलो मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है ए और बी में अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है ए और बी में मतलब ए विल बी इक्वल्स टू बी ओके ए विल बी इक्वल्स टू बी एंड नेक्स्ट वाला देखा जाए सेकेंड वाले पे जाते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन ए इज इक्वल टू फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ए इज वॉट फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ओके एंड बी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू अब क्या होगा देखते हैं

देखो जरा लिख देता हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन ये लेस देन इक्वल टू टेन बोले तो ये सब x है उसमें भी क्या है x क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर इवन है इवन मतलब टू का मल्टीपल टू फोर सिक्स एट एंड टेन टेन तक तो मतलब क्या आएगा टू फोर सिक्स एट एंड टेन अब मुझे ये बताओ यहां पे मैं देखूं तो इसमें फोर है इसमें भी है इसमें एट है इसमें भी है इसमें ट्वेल्व है इसमें भी नहीं है पागल है सो so, मतलब क्या इक्वल है क्या इक्वल है क्या टू अच्छा ये क्या है सेकेंड वाला हम थर्ड वाला लिख चुके हैं देखो ये ये गलती ना करो अब अब हम लोग पहले सेकेंड वाला करें रहे हैं सेकेंड वाला चलो वो थर्ड वाले का क्वेश्चन लिख दिया कोई बात नहीं पहले ए एस टू फोर टूवेल्वीन एंड बी एट फोर एटीन एट फोर सिक्सटीन एंड एटीन चलो ठीक है अब यहाँ पे आ जाते हैं फोर यस फोर है एट एट भी है ट्वेल्व है क्या नहीं मतलब क्या है ट्वेल्व इसमें नहीं है एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है मतलब सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी सेट ए सेट बी से इक्वल नहीं है इक्वल सेट्स नहीं है बट इक्वी वैलेंट सेट है जरूर बिकॉज नंबर ऑफ सेट ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट ऑफ बी सो दीज आर इक्वी वैलेंट सेट नॉट अ इक्वल सेट ओके चलो <coughs> आगे बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं ए कितना है ए इज वॉट एस टू फोर सिक्स एट एंड टेन और बी जो हमने देखा था बी क्या था बी इज वॉच पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्सेस लेस देन टेन सो पॉजिटिव पहले तो पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया हमने मतलब पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टेन मीन वन टू थ्री फोर टेन तक है ना उसमें से क्या Even है इवन मतलब so, मतलब exactly, है इवन मतलब मल्टीपल ऑफ टू टू फोर सिक्स एट एंड टेन सो टू फोर सिक्स एग्जैक्टली देखो सेम एलिमेंट्स है 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 और भी कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें है ना इसमें इस मतलब एग्जैक्टली सेम एलिमेंट एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स मीन देअ फोर विल बी इक्वल्स टू बी ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ फोर्थ वाला ए एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ टेन मल्टीपल ऑफ टेन इज टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी जो टेन का मल्टीपल है लेकिन इंफेनिट है खत्म नहीं हो रहा है ना अब बी में मैं देखूं बी में तो बी में क्या क्या है टेन फिफ्टीन टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड सो ऑन दिस इज अवर बी मतलब लिस्टिंग फॉर्म में तो हम लोग ने लिख दी दोनों को अब लिस्टिंग फॉर्म में, में लिखने के बाद में अब कंपेयर करते नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव जो सेट ए में नहीं है तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है नहीं दोनों में तो क्या लिखेंगे देर फोर सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी ओके okay, चलो यहां पे हमारा ये खत्म हो गया फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं बहुत इजी इजी सा क्वेश्चन है ध्यान देना ओके ए इज टू कॉमा थ्री ए कितना है फर्स्ट वाला इज वॉट टू कॉमा थ्री एंड अब यहां पे मैं बी देखू बी लिख लेता हूं फिर बताता हूं मैं तुम लोग बी इज वॉट बी इज एक्स सच दैट एक्स इज अ सल्यूशन ऑफ एक्स इज सल्यूशन ऑफ

थ्री टू ज्लस थ्री प्लस टू अब इसको सॉल्व करो देखो पहले अब बहुत सारे लोग ऐसे के और हैं बोलते इक्वल है यार सेम दिख रहा है बट लिखो तो सही पहले इन दोनों में से कॉमन क्या है एक्स तो यहां से एक्स प्लस थ्री बचेगा प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या है टू एक्स अंदर लेना था तो टू बाहर एक्स प्लस टू थ्री जिक्स इक्वल्स टू जीरो एक बार क्या लिखेंगे एक्स प्लस थ्री फिर दूसरी बार एक्स प्लस टू विल to टू जीरो मतलब x plus 3 will प्लस थ्री टू जीरो और एक्स प्लस टू विलोल टू प्लस टू प्लस टू उधर क्या माइनस टू माइनस टू अब मैं देखूं अगर b का लिखूं यहां पे b अगर लिखूं तो b सेट में क्या क्या है माइनस टू एंड माइनस थ्री बराबर है अब इसका मतलब क्या है थ्री है माइनस थ्री है सो ए इज नॉट इक्वल टू बी एक्टली सेम एलिमेंट है क्या नहीं इक्वल so, सेट that, नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं की तरफ second question, कैसा है स्क्रीन पे देखा जाए <coughs> B इज इक्वल टू y सॉरी uh, ए पहले ए तो देखा सेकंड वाले का A इज इक्वल टू x सच दैट x इज लेटर इन वर्ड फॉलो अब मैं ए का बात करूं इसमें का लिखूं, तो एफ ओ एल एक बार लिखना है लेटर्स सब, लेटर्स इसके अंदर क्या क्या लेटर यूज हुए हैं वो उसका सेट है बराबर है सो एफ ओ लिख दिया एल लिख दिया ओ लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे लेटर्स एक ही बार लेटर है ना तो डब्ल्यू बराबर है सो ये हो गया अब सर वापस से आपने कैपिटल लेटर इसके अंदर क्यों यूज करी भैया ये जो लेटर दिया है ना वो कैपिटल में दिया है तो वही यूज किया मैंने जो दिया है वैसा यूज कर लिया स्मॉल बेबी लिख दोगे ना तो मेरा नहीं कुछ जाता ना तुम्हारा जाता है ना एंड मार्क्स मिलेंगे डोंट वरी बी इज इज इक्वल्स टू सच दैट अ लेटर इन द वर्ड उल्फ सो डब्ल्यू ओ कौन कौन सा लेटर है एल एंड एफ अब देखो सेम है क्या नहीं है वो देख लो बेटा यहां पे एफ है यहां पे भी एफ है यहां पे ओ है यहां पे भी ओ है यहां पे एल है यहां पे भी है और यहां पे डब्ल्यू है मिल गया डब्ल्यू सेम है एग्जैक्टली exactly सेम है इसका मतलब ए ए विल बी 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 टू टू काम खत्म सेट सेट इज इक्वल भैया क्या बात थी और क्या इजी वे में हमने सब समझ लिया है सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट्स इक्वल सेट्स करो चलो देखते हैं देखते हैं फिर बताते हैं कौन कौन सा इक्वल है अब एग्जैक्टली exactly सेम देखना तब मालूम पड़ेगा ए में टू फोर एट ट्वेल्व कहीं है क्या टू फोर एट ट्वेल्व टू फोर एट ट्वेल्व देखो नहीं है दोस्तों तो ए का तो कोई भी इक्वल है नहीं बी वन टू थ्री फोर देखो वन टू थ्री फोर यहां पे है वन टू थ्री फोर और यहां पे भी है वन टू थ्री फोर मतलब बी इज इक्वल टू डी B में वन टू थ्री फोर D में भी वन टू थ्री फोर वन टू थ्री एंड फोर देख लो सेम कहा है लिख दो नहीं कोई भी नहीं है अब यहाँ पे देख लेते हैं D वाला तो हो गया ये C वाला देख लिया से का C का कोई भी इक्वल नहीं है D वाला से इक्वल बी वाला है चलो लिख दिया E वाला माइनस वन एंड वन हो जी वाला से इक्वल है माइनस वन एंड वन सो तो ई इज इक्वल टू तो जी बराबर है अब देखो सर इसमें क्या था वन टू थ्री एंड फोर था सब इसमें क्या था इसमें था माइनस वन एंड वन दोनों में बराबर है तो जी वाला भी कहीं से इक्वल नहीं है काम खत्म पैसा हजम एंड अपना ये एक्सरसाइज भी खत्म तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग uh, इंटरेस्टिंग जो बातें हैं कॉलेज की बात है आप लोग कॉलेज में तो पहुंच नहीं पा रहे तो एक्सपीरियंस तो मैं देने की से काम कोशिश करूंगा ओके सो भैया इतना गर्दा तरीके से आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो लगे पड़े हो वो वो चलते रहना चाहिए ये मेरी कामना है है ना सही है <laughs> मजा आ गया सर यस मुझे भी बहुत मजा आया आप लोग के सा, साथ जुड़ के और इसलिए शायद मैं ये साल बहुत बहुत ज़्यादा टाइम आप लोग के साथ बिताऊंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आप सॉल्व करवा सकूँ साथ में सॉल्व कर सकें एक्चुअली है ना <coughs> तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे जितने भी क्वेश्चंस थे और जितने भी आपको इसमें आ, मतलब कॉन्सेप्ट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये एक्सरसाइज में नहीं था ये अब और बहुत सारे मैं जो सेट्स बता रहा हूँ वो तुम्हारे बुक में भी नहीं होंगे बट भैया थोड़ा जो उसका लिंक्ड रहता है ना वो मैं बता देता हूं है ना तो अभी बहुत सारे आएंगे और एक बार मैं आपको बात बता दू कि जरूर नोटबुक और पेन लेके इसको बहुत सॉल्व करना बेटा देखने से नहीं होता है ना हमको समझ तो जाएगा सर ने समझा दिया सर ने समझा दिया बहुत ईजी हो गया ईजी नहीं ईजी कब होता है जब हम लिखते हैं और लिखने में हमको मिस्टेक पता चलती है हमारी कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं तो वो जरूर लिखना ओके और 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 अपने दोस्तों को बता देना भैया एलेवेंथ ट्वेल्थ साइंस भी, भी राजेश सर ले रहे हैं मैथमेटिक्स तो ज़रूर आना और जितना हो सके उतना ये हम लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे अभी आप लोग के साथ मिल के बहुत बहुत मज़ा आता है सॉल्व करने में और ये सेशन लेने में तो थैंक यू थैंक यू फॉर कम्प्लीटिंग सिक्सटी के मैं फिफ्टी के वाले पर ही वीडियो बनाने वाला था बट उस दिन शायद मैं यहाँ था नहीं तो मैं मैं अंदर से बड़ा खुश हो गया भाई एक दिन में इतना करवा दिया बच्चों ने तो बहुत बहुत खुशी लगी मुझे और मैं बहुत बो, बोलने वाला था लेकिन मैं आपको पता है कि ज़्यादा बोलता नहीं हूँ यार यही थोड़ी प्रॉब्लम है मुझ मुझे दिक्कत यही है कि मैं ज़्यादा मतलब एक्सप्रेसिव नहीं हूँ सो आप मेरी तरफ से बोल लेना थैंक यू सबको ओके <laughs> <laughs> और सब अपने दोस्तों को भी बता देना कि भाई लेवेंथ का भी चालू हो गया हो गया है मतलब लाइव सेशन ट्वेल्थ का भी जल्दी चालू होगा तो सब्सक्राइब करके रखें मैथ्स तो भाई फोड़ फाड़ देंगे पूरा किसी को भी कुछ भी इधर उधर भटकने की या डर लगने की कोई जरूरत नहीं है ओके okay? जो हम लोग ने फेस किया है या फिर अपने लाइफ में कि यहाँ पैसे नहीं थे तो क्लासेस नहीं लगाई क्लासेस मतलब इतने ज्यादा पैसे लगते थे क्लासेस में ठीक है तो सब लोग के पास उतने पैसे तो होते नहीं तो एटलीस्ट यहाँ पे तो कर सकते हैं है ना चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर योर लाइक्स एंड इतना अच्छा सेशन करवाने के लिए ओके सो गुड बाय मिलते नेक्स्ट टाइम शेयर जरूर कर देना शेयर जरूर करना और जय श्री राम भैया आज नवरात्रि चल